गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली बार हमने वाच्य का चैप्टर पढ़ा था, उसमें वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद हैं इसके बारे में पढ़ा था हमने। आज हम वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है। वाच्य परिवर्तन करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा दोहरा दूं कि वाच्य किसे कहते हैं। आसान शब्दों में, वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग वाच्य कहलाता है। ठीक है, वाच्य परिवर्तन करने से पहले वाच्यों की हमें पहचान भी होनी चाहिए कि कर्तृवाच्य की क्या पहचान है, कर्मवाच्य की क्या पहचान है और भाववाच्य की क्या पहचान है। कर्तृवाच्य की पहचान आप कैसे करेंगे बच्चे? कि इसमें कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति नहीं होगी, इसमें कर्ता के साथ ने होता है कभी कभी और कभी बिना विभक्ति के होता कर्ता। ठीक है, और कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में से और के द्वारा विभक्ति लगी होगी। इसमें जो क्रिया होती है वो हमेशा सकर्मक होती है और जाना जो क्रिया है वो ऐड हो जाती है इसके साथ, मुख्य क्रिया के साथ, और उसका फिर संयुक्त रूप बन जाता है क्रिया का। जैसे मान लीजिए वाक्य है कि माली पौधों को पानी देता है, जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कि माली के द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है, तो दिया जाता है ये संयुक्त क्रिया बन जाती है। और आगे भाववाच्य की क्या पहचान है कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इसमें कर्ता के साथ के द्वारा भी होता है, कि कर्ता जो भाव होता है वही अधिकतर कर्ता बन जाता है इसमें। और जो क्रिया है हमेशा एकवचन पुल्लिंग होती है, अन्य पुरुष में होती है, और भाववाच्य में भी के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, कर्तृवाच्य में नहीं किया जाता। अब आगे वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे इसको समझिए आप, कि वाच्य परिवर्तन में किसी एक वाक्य को मतलब के वाच्यों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी जो वाक्य है उसकी विभक्ति और क्रियापद हैं उनका जो लिंग वचन और काल है उनमें परिवर्तन हो जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। अब इसको समझिए कि कर्तृवाच्य में सकर्मक तथा कर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में केवल कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनते हैं और भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रियाओं से बनते हैं। कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कर्तृवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा जोड़कर करण कारक बना दिया जाता है, जैसे राम से या राम के द्वारा, जैसे राम पढ़ता है। इसका कर्मवाच्य कैसे बनेगा कि राम के द्वारा पढ़ा जाता है, ये तो भाववाच्य बन गया। अगर मान लीजिए वाक्य है राम पुस्तक पढ़ता है तो इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। वाक्य की मुख्य क्रिया को भूतकालिक क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान लीजिए माली पौधों को पानी देता है या मोहन खाता है, तो उसका जो ये है, जब हम इसका कर्मवाच्य या भाववाच्य बदलेंगे तो जो मुख्य क्रिया है वो मतलब के भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मोहन आम खाता है, मोहन के द्वारा आम खाया जाता है। जा धातु के क्रिया रूप कर्मवाच्य की सामान्य भूतकालिक क्रिया मतलब के जो जो जाना धातु है वो क्या है, मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर संयुक्त क्रिया बना देती है। जैसे खाया जाता है या खाया जा रहा है, इस तरह से कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग वचन आदि कर्म वाक्य के कर्म के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। कर्मवाच्य में जो क्रिया है उसका लिंग वचन कर्म के अनुसार हो जाता है। जैसे राम के द्वारा कहानी पढ़ी जाती है, तो जिसमें जो पढ़ी जाती है वो क्रिया कहानी के अनुसार है, ना कि राम के अनुसार। यदि कर्म के साथ भक्ति लगी हो तो उसे हटा देना चाहिए। जैसे राम ने सांप को मारा, तो जब हम इसका वाच्य बदलते हैं, ये कर्तृवाच्य है, इसका जब हम जैसे बनाएंगे कर्मवाच्य है, तो इसमें सांप को जो क्रिया है सांप के साथ कर्म के साथ जो को विभक्ति है वो उसका लोप हो जाता है। कुछ वाक्य देखिए, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, इसमें जो क्रिया है पढ़ता है कर्तृवाच्य में मोहन के अनुसार थी, अब कर्मवाच्य में क्रिया के अनुसार सॉरी कर्म के अनुसार हो गई। इसमें पुस्तक कर्म है, पुस्तक क्या है, एकवचन और स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी पढ़ी जाती है पुस्तक के अनुसार हो गई है। शिकारी शिकार करते हैं, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है, तो इसमें जैसे शिकारी बहुवचन था, करते हैं क्रिया थी है, तो इसमें जब शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है तो शिकार है एकवचन में, तो इसके अनुसार और पुल्लिंग है तो किया जाता है, वो क्या है। आगे देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना।
जैसे नरेश रोया, नरेश द्वारा रोया गया, हिरण दौड़ता है, हिरण द्वारा दौड़ा जाता है, इसमें कर्म कर्तृवाच्य से जब भाववाच्य बनाते तो ऐसे वाक्यों का बनाते हैं जिसमें कर्म नहीं होता। आगे भाववाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना, छोटे बच्चे से रोया जा रहा है, ये क्या है भाववाच्य है, छोटा बच्चा रो रहा है, इसमें देखो ये छोटा बच्चा रो रहा है, ये इसमें कर्म नहीं है। गाय से घास चरी जाती है, इसमें जो कर्म है तो ये कर्मवाच्य है, इसका कर्तृवाच्य क्या बनेगा, गाय घास चरती है। काले घोड़े से तेज दौड़ा जाता है, ये भाववाच्य है, इसका कर्तृवाच्य कैसे बनेगा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो कुल मिला के बच्चे आज आपने ये जाना कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्मवाच्य सॉरी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और इनकी क्या पहचान है। अगली बार मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी और एक दो एक्सरसाइज मैं करवाऊंगी, बाकी आप अच्छे से आज लेसन को पढ़ना और फिर एक्सरसाइज करना। ओके।